गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे आए हो कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी सुबह का वही 9:15 बज रहा है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। उठ के ही पहले बेड वगैरह ठीक कर ली और जाऊँगी अभी उस रूम को ठीक करने, क्योंकि उस रूम में पापा सो रहे थे तो वो रूम ठीक करूँगी, क्योंकि पापा एसी में नहीं सोते हैं, उनको एसी बर्दाश्त नहीं होता है, तो इसीलिए पापा उसी रूम में सोते हैं। और चलिए, सुबह सुबह पापा और भैया बाजार गए हैं और सुखेंदु उस रूम में बैठ के अपना ऑफिस का काम कर रहा है, तो तब तक मैं अपना बेड वगैरह ठीक कर ली थी और अब जाऊंगी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। बट उससे पहले आज घर वर को थोड़ा झाड़ू दूंगी, क्योंकि आज भी काम वाली दीदी नहीं आएगी। कल रात में फ़ोन करी थी तो वो बोली आज भी नहीं आएगी, तो इसीलिए पहले घर वर झाड़ू दूंगी, घर वर का काम करूंगी, उसके बाद जाऊंगी ब्रेकफास्ट बनाने। आज ब्रेकफास्ट में सोच रही चूड़ा का पुलाव बनाऊंगी। तो चलिए, पता नहीं मैं कितना हद तक आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी, पर जैसा होगा पॉसिबल मैं जरूर से आप लोगों के साथ शेयर करते रहूंगी। तो चलिए पहले फटाफट घर वर झाड़ू दे देती हूँ, उसके बाद बाकी का काम करती हूँ। हेलो गाइस, अब मैं आ गई हूँ किचन में और घर का मेरा सारा काम वगैरह कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। जैसे कि सुबह मैंने कहा था कि आज मैं चूड़ा का पुलाव बनाऊंगी, तो मैं आज चूड़ा का पुलाव ही बना रही हूँ। उसके लिए कढ़ाई को अच्छे से मैंने गर्म कर लिया है, उसके बाद इसमें मैं रिफाइंड ऑयल डालती हूँ, और उसके बाद अच्छे से रिफाइंड ऑयल गर्म हो जाने के बाद आप इसमें करी पत्ता डाल दीजिए। अगर आपके पास करी पत्ता नहीं है तो आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। और छोटी दाने वाली राई डाल दी हूँ, आपके पास बड़े भी हो तो चल जाएंगे, क्योंकि मेरे घर मैं कोई बड़े खाते नहीं है इसलिए मैं छोटे वाले डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने आलू को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है, आलू और मटर डाल दी हूँ। मटर मेरे पास पहले से, जब मटर के सीजन थे तो मैं मटर को छिल के अच्छे से धो के इसको डीप फ्रिज में रख दी थी, स्टोर कर दी थी, तो ये 6-7 महीना आराम से आपका निकल जाता है। तो आप भी चाहो तो ऐसे करके रख सकते हो, जब मटर का सीजन आता है तब ज़्यादा करके मटर ले आइए और उसको अच्छे से छिल के धो के डीप फ्रिज में रख दीजिए, मटर काफ़ी दिन तक चलता है। तो यहाँ पे जैसे आलू और मटर को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इसको थोड़े से अच्छे से मतलब फ्राई होने तक, मतलब आलू एकदम पूरा बॉयल नहीं, आधे आधे थोड़े से बॉयल हो जाएंगे उतना तक इसको अच्छे से फ्राई करना है। और इसमें नमक भी डाल दीजिए, तो जब आलू अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद सारे वेजेस को डालेंगे। तो मैं यहाँ पे आलू और मटर को अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। फ्राई करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैं ढक के छोड़ दूँगी, और उसके बाद फिर। तो देखिए, आलू आधे थोड़े से फ्राई हो गए हैं और थोड़े थोड़े बॉईल भी हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, आप चाहो तो हल्दी मत डालिएगा, पर हल्दी डालने से क्या एक अच्छे से कलर आता है जो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। और इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, मतलब ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, झाल वाला नहीं, सिर्फ कलर वाला है, और डाल के इसको अच्छे से मिला लूँगी। मिलाने के बाद उसके बाद इसमें प्याज को लंबे लंबे मैंने कट करके रखा है, तो उसके बाद उसको प्याज को मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से इसको फ्राई करूंगी। जब तक प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए तो प्याज डाल उतना तक मैं प्याज को फ्राई करूंगी। और उसके बाद इसमें आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हो, बट मेरे पास टमाटर नहीं था इसलिए मैं टमाटर नहीं डाली। आप चाहो तो इसमें आप छोटे छोटे कट करके टमाटर को अच्छे से डाल सकते हो। और प्याज का देखिए कलर हल्के हल्के चेंज होने लगे, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कैमरा काफ़ी दूर में रखा हुआ है, बट यहाँ पे प्याज का कलर ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। मैं इसको ऐसे, मैं प्याज बाद में ही देती हूँ, नहीं तो प्याज पहले में जल जाते हैं, इसलिए मैं प्याज को बाद में ही देती हूँ। और उसके बाद मैं ये सारे वेजेस डाल दूँगी, यहाँ पे है कैप्सिकम, बीन्स और हरी मिर्ची। आप चाहो तो इसमें और भी सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हो, बट मेरे पास अभी यही अवेलेबल है तो मैं यही डालूँगी। तो इसको अच्छे से मिलाने के बाद मेरे पास थोड़े से गाजर थे, एक टुकड़ा गाजर था, उसमें से मैं थोड़ा सा पुचू को दी और थोड़ा सा मैं इसमें ग्रेस करके डाल दूंगी। तो देखिए, इसको अच्छे से हिला लीजिए ताकि सारे सब्जी आलू वगैरह सब एक साथ मिक्स हो जाए। और मिक्स होने के बाद इसको ढक दीजिए, 2 से 3 मिनट के लिए ढक दीजिए, ताकि जब आलू और सब जो आधे बॉयल हुए हुए हैं बाकी का सब बॉयल हो जाए अच्छे से, सब्जी वगैरह भी जो आप बाद में दिए थे वो अच्छे से सीज जाए हैं, ऐसे ही ढक दीजिएगा। 2-3 मिनट में आराम से सीज जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये हुआ हुआ ही रहता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट, क्योंकि ब्लैक सॉल्ट से थोड़ा अच्छे से टेस्ट आता है। और देख के डालिएगा, क्योंकि आप पहले से ही नमक डाले हुए हैं तो उस हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आप अपना नमक यूज़ करें बाकी का जो भी है। और इसमें मैं थोड़े से डालूँगी ब्लैक पेपर भी। तो देखिए, मेरा सारा सब्जी बॉईल हो गया है और अब मैं यहाँ पे चूड़ा ले लियो, चूड़ा को मैं अच्छे से पानी से धो लियो, और धोने के बाद उसके बाद मैं इसमें सारे सब्जी में ये चूड़े को पूरा अच्छे से डाल दूँगी। डालने के बाद उसको पूरे अच्छे से मिला लेना है ताकि सब्जी और चूड़ा अच्छे से मिक्स हो जाए।
तो इसको अच्छे से मिलाने के बाद, सारे सब्जी और वगैरह सब मिक्स होने के बाद, इसमें मैं ग्रीन चिली सॉस और टोमेटो सॉस ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं मेरा हेल्प करने के लिए अच्छे से उसको पूरा मिलाने के लिए। और अब यहाँ पे देखिए सर्व कर दी हूँ और ऊपर से टोमेटो सॉस दे दी हूँ। आप चाहे तो चिली सॉस भी दे सकते हो, चिली सॉस मैं इसीलिए दे दी हूँ क्योंकि मैं हरी मिर्ची बहुत सारा दी हूँ। तो चलिए अब हम लोग खा लेते हैं। चलिए अब आ गई हूँ ये साग का रेसिपी। मैंने आपसे कहा था कि 2-3 दिन पहले कि मैं ये पार साग बनाने वाली हूँ, बट मुझे नहीं आता था इसलिए मैं बनाई नहीं थी और रख दी थी इसको अच्छे से पैकेट में, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में काट के अच्छे से मैं इसको पैकेट करके फ्रिज में रख दी थी। तो देखिए अभी भी ये एकदम ताज़ा ताज़ा है और आज मेरी सास आई है तो वो बनाएगी, तो इसको अच्छे से मैं काट ली छोटे छोटे टुकड़े में, तो दीदी काट के ही गई थी। और अब मैं इसको अच्छे से धो लूँगी ताकि साग का जो भी मिट्टी वगैरह है ये अच्छे से निकल जाए। तो साग को आप जब भी धोए तो 3 से 4 बार अच्छे से कल के नीचे धोए ताकि इसमें जो भी मिट्टी वगैरह है ये पूरा निकल जाए। तो इसको धोने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके क्या बना रही हूँ मैं। यहाँ पर मैंने हरा मिर्ची को एकदम छोटे छोटे काट लिया है। क्यों काटा है, किस लिए काटा है, तो चलिए मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं पाट साग धोई थी उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, पर इसमें क्या क्या डाला ये आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। अभी मैं बता देती हूँ कि इसमें मैं क्या डाली हूँ। और ये बना रही है मेरी सासू माँ पाट साग का पकौड़ा, तो कैसे बनेगा ये भी मैं आपको बताती हूँ और कि क्या क्या डलेगा ये भी बता देती हूँ। तो इसमें डलेगा पाट साग में बेसन, नमक, सोडा, काला जीरा, थोड़ा सा मैदा, और तेल को गरम करके, जो गरम हम लोग पकौड़ा बनाने के लिए जो तेल को गरम करेंगे उसी में से 1 या 2 चम्मच तेल निकाल लीजिएगा, और हल्दी सब कुछ देके अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिएगा। पकौड़ा बनता है वैसे आप पकौड़ा बना लीजिए तेल में फ्राई करके। तो देखिए मेरा पकौड़ा एकदम से तैयार हो गया है, और कैसा बना है, कैसा लग रहा है ज़रूर से कमेंट में लिख के बताइएगा। और यहाँ हो गया है अभी शाम और आ गई हूँ मैं अभी पूरा किचन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि दोपहर में और किचन क्लीन नहीं की थी क्योंकि हम लोगों का ऊपर खाना था, हम लोग ऊपर गए थे खाने लंच करने के लिए, तो इसीलिए आज दोपहर में कुछ भी यहाँ पे नहीं बना था। तो जो सुबह पकौड़ा वगैरह बनाया था उसका थोड़ा सा बेसन वगैरह गिर के थोड़ा सा गंदा हो रखा है, तो अब मैं किचन को पहले क्लीन कर लूँगी उसके बाद चाय बनाऊँगी। तो चलिए फटाफट किचन को क्लीन कर लेते हैं उसके बाद चाय बनाऊँगी, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। गुड इवनिंग एवरीवन, और आप सब लोग क्या कर रहे हैं शाम को कमेंट में लिख के ज़रूर से बताइएगा। तो आप लोग चाय वाय हम लोगों का पीना हो चुका है, शाम का मैं नहा धो के शाम का संजा बत्ती भी कर चुकी हूँ, और अब डिनर का देखती हूँ क्या करना है, क्योंकि ऊपर बनेगा कि नीचे खाएंगे अभी तक कुछ पता नहीं है, तो देखेंगे। और आज दोपहर का लंच भी हम लोगों का ऊपर ही हुआ था, इसीलिए आज लंच में कुछ बनाई भी नहीं थी तो आप लोगों के साथ कुछ शेयर भी नहीं कर पाई। और सुबह जो
पार साग का पकोड़ा बनाई थी, आप लोग देखे ही हैं, उस आप लोगों के साथ मैंने रेसिपी शेयर कर दी है। तो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से रेसिपी शेयर करूँगी, बट उसका एक्चुअली और कुछ भी बनता है, उसका सब्जी भी बनता है, जैसे लाल साग बनता है ना वैसे भी बनता है। बट जैसे कि आज हम लोगों का लंच ऊपर में करना था तो इसीलिए वो चीज़ नहीं बनाए, तो वो चीज़ बना के किससे खाते, क्योंकि ऊपर में भी खिचड़ी बना था, तो इसीलिए हम लोग सोचे क्यों ना पकौड़ा ही बना ले, तो खिचड़ी के साथ खाने में काम आ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग पकौड़ा ही बना लिया उसका। और बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी, मतलब आप लोग भी घर पर ट्राई करिएगा, इसी तरह से ट्राई करिएगा ना, बहुत खाने में अच्छा लगेगा, तो ट्राई करके देखिएगा। और तो चलिए आज के वीडियो को फिर मैं यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि और तो कुछ है नहीं आज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मुझे एडिट भी करने बैठना है सुबह से, आज कुछ भी एडिटिंग वगैरह का काम लेके कुछ भी नहीं बैठी, क्योंकि ऊपर से लंच वगैरह करके आई और मैं आके नीचे सो गई थी, उसके बाद शाम को उठी तो चाय वाय बनाई, तो इसीलिए। तो चलिए यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल एक नई वीडियो लेके, क्योंकि कल भी ऊपर में पूजा है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत करके शेयर करूँगी। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे रखती हूँ, मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल एक नए वीडियो लेके। तो जाने से पहले आप लोगों को क्या करना है, तो जी लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ पूछना हो या कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, और आप चाहो तो मुझे इंस्टा में भी DM कर सकते हो, इंस्टा की ID स्क्रीन में दी हुई रहेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ रहेगा, और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में छोटी सी बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरा कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना करें। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल, तो आज के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय।